एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था फीमेल कांस्टेबल के लिए 18 और 19 तारीख को, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसकी आंसर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है। अभी देखिए आंसर की के बाद आप लोगों को ऑफिशियल मार्क्स आप लोगों के पता लग गए होंगे कि आप लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन गलत हैं तो उनके लिए आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होने वाला है, यानी जो शिफ्ट टफ आई थी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो है कैंडिडेट्स के मार्क्स निकाले जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाला है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम है, हरियाणा एसएससी अब तक जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज नहीं करती थी, लेकिन जब आंसर की आई उसके बाद जो है बताया गया कि इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद कैंडिडेट्स के मार्क्स, जो 19 तारीख की शिफ्ट है, जो टफ शिफ्ट आई थी इवनिंग शिफ्ट, उसको जो है फायदा मिल सकता है। 19 तारीख की जो बात करें कि शिफ्ट किस तरीके से आई थी, तो सबसे पहले बात करें तो 18 तारीख का पेपर ईजी था, इसके बाद जो है 19 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ आया था, और सबसे टफ की बात करें तो 19 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का पेपर ज़्यादा टफ आया था। तो इस कारण से जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रखा गया है। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप लोग की कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए और फीमेल कांस्टेबल के लिए। तो कट ऑफ की बात करते हैं, थोड़े पोर्शन ले लेते हैं, तो इस पोर्शन में मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप लोगों के क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन 100 में से अगर आप लोगों के 55 से 60 क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं फीमेल कॉन्स्टेबल्स के लिए, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर 50 से 52 क्वेश्चंस अगर आप लोगों के सही हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, बीसीबी कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर जो है 53 से 55 क्वेश्चंस अगर 100 में से सही हैं तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 48 से 52 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हैं तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर कट ऑफ निकाली जाएगी, और इतने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों का फिजिकल में नंबर ईजिली आ जाएगा और फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिएगा। यानी 55 से 60 के बीच में जनरल, एससी की बात करें तो 50 से 52, बीसीबी की बात करें तो 53 से 55, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 से 52 क्वेश्चन आप लोग बात करेंगे। इतने कम कट ऑफ क्यों जाएगी, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले तो इसके अंदर होने वाला है, और सेकंड बात है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया है, सिर्फ 45% जो है फीमेल जो है एग्जाम देने आई थी, तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर ही कम हो जाता है। तो ये 100 में से है और कट ऑफ जो आएगी आप लोग की 80 में से आएगी, तो इस तरीके से आप लोग की कट ऑफ रहेगी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस कट ऑफ को लेकर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस निकाला गया है। तो कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहेगा और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। 18 और 19 तारीख के लिए आंसर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है, तो वहाँ से आप लोग अपना आंसर की देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं चेक किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीधा के अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।